वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग अनदर न्यू डे। जय श्री राम, जय गौ माता। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गौर अच्छा दल छाता के मेन चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग से, जो कि परसों हमने जो नहर के पास समाधि लड़ाई थी तो उसकी एक फुल वीडियो है, तो उसकी एडिटिंग चल रही है आज, जहाँ तक उसको अपलोड कर देंगे। बाकी ये रहा एडिटिंग प्रोसेस चल रहा है और देखते हैं जितना टाइम और लगता है इसको एडिट करके पूरा प्रोसेस कम्प्लीट कर देंगे। साउंड वगैरह भी लगाना है इसमें, साउंड वगैरह लगाते हैं और वीडियो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चैनल पे अपलोड शेड्यूल करते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। तब तक के लिए बने रहिए संदीप ब्लॉग्स, जो भी दिन की अपडेट्स रहेंगी वो बताते रहेंगे। तो अभी करते हैं वीडियो एडिट और मिलते हैं आपसे बाद में। अरे फोड़ दे, वीडियो एडिट हो रही है। कमल भाई कमरे में से ब्लॉग नहीं बनाने दे रहे, तो हम जाली में से बाहर से बनाएंगे। देखो कमल भाई कमरे में अकेले बैठे हुए, थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा होगा आपको। अब मिलते हैं आपसे, केस में जा रहे हैं अभी एक नंदी महाराज के, अब बंद कर लंदा। तो दोस्तों अभी एक सूचना मिली थी कि बरसाने चौराहे पे पुल के नीचे नंदी महाराज की आंख में क्रेशर चला गया है, तो उनकी आंख बिल्कुल खुल नहीं पा रही है। तो अभी वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, और फिर ट्रीटमेंट करेंगे उनकी आँख वगैरह को साफ़ किया जाए, और देखने जितना समय लगता है उसको साफ़ करने में। तो मिलते हैं आपसे पुल के नीचे बरसाना चौराहा छाता। तो दोस्तों यही वो नंदी महाराज, इनकी अभी अभी चर्चा कर रहे थे, इनकी इसी आँख में क्रेशर चला गया, बिल्कुल आँख खुल नहीं पा रही है। तो देखते हैं कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। पहले रस्सा वगैरह लाएँ, वो बांधते हैं इनको, पूरे अपने कंट्रोल में लेते हैं, उसके बाद पानी वगैरह से साफ़ किया जाएगा और दवाई वगैरह डाली जाएगी। ये इसके सहपाठी हैं नंदी महाराज के, देखते हैं कितना समय लगता है, कितनी मेहनत जाया जाती है। तो दोस्तों थोड़ी मशक्कत के बाद मतलब एक से डेढ़ घंटे के बाद सफलता मिली, डॉक्टर चंदुल छाता और नंदी महाराज ने आज मुझसे क्रेशर निकाल दिया। वो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं और आप देख पा रहे हैं, वो चल भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, सब देख भी पा रहे हैं। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से होता है, आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाएँ। दोस्तों अभी नंदी महाराज की जो आँख में क्रेशर चला गया था, उनके आँख में से क्रेशर निकाल के और दवाई वगैरह पानी वगैरह डाल कर आए घर पर। तो अभी घर पे खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद फिर देखते हैं वीडियो वगैरह कल वाली जो है वो अपलोड करनी है। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। बाकी ये आप आज का खाना दाल रोटी, खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं भाई से। मिलने आए सतीश भाई और बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, दिल्ली से आए भैया। हाँ देखो बैठ लेते तुरंत डायरेक्ट यहाँ पर मिलने ही आए भाई। और भाई आपको कैसा लगा वीरेंद्र भाई से मिल के? अच्छा मुझे मिलवाए ना ना बुरी बुरी ना जानी, टाटे में बहुत मेहनत लगा। तो ठीक है भैया, भैया बहुत बढ़िया भैया, वो इंस्टाग्राम को फॉलोवर है वो आते कागे कजवन क्यों। तो ठीक है भैया, भैया आएंगे खातिरदारी कर जाएंगे टाट देर, फिर बताओ मैं कितनी देर में जाएंगे। तो ऑफिस पे थे, ऑफिस पे 30 बजे आ गए, तो बात की, उसके बाद आ गए घर पे, खाना वगैरह खाया नहीं, उन्हें भूख थी नहीं आज इतने। बाकी आज कुछ सीखा, कुछ सबक मिला, कुछ नया एक्सप्लोर किया। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय गौ माता। देखते रहिए संदीप ब्लॉग्स।